नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। हल्द्वानी में भवन बनने के बाद प्राधिकरण को ऑनलाइन नए नक्शे के लिए आवेदन करने का मामला सामने आया है। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन को सील कर दिया है, साथ ही आर्किटेक्ट को लाइसेंस निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि प्राधिकरण की टीम ने दमवाढुंगा में 2 मंजिला भवन का नक्शा पास कर बेसमेंट बनाए जाने पर भवन को सील कर दिया है। आपको बता दें कि जिला विकास प्राधिकरण ने 2 स्थानों पर कार्रवाई कर 2 भवनों को सील किया। पहले मामले में प्राधिकरण की टीम ने राजा रानी बिहार जौलासाल में कार्रवाई की। संयुक्त सचिव ऋचा सिंह ने बताया कि राजा रानी बिहार में एक व्यक्ति ने प्राधिकरण में नया नक्शा पास कराने के लिए आर्किटेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन के बाद प्राधिकरण के अवर अभियंता ने जब मौके का निरीक्षण किया तो प्लॉट में पहले से ही बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर में फ्लैट का निर्माण किया जा रहा था, जिसके बाद टीम ने निर्माणाधीन फ्लैट को सील कर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। मामले में क्राफ्टमैन और आर्किटेक्ट को लाइसेंस निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं प्राधिकरण की टीम ने दमवाढुंगा बंदोबस्ती में व्यवसायिक निर्माण के लिए 2 फ्लोर के भवन का नक्शा पास कर बेसमेंट बनाए जाने पर भवन को सील कर दिया है। तो अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।